हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है, और बड़े हो चाहे बच्चों सबको बहुत ही पसंद आती है घर में ये रेसिपी। आम की इतनी बढ़िया मिठाई मिनटों में बना के तैयार करेंगे हम इस मिठाई को। तो जल्दी से हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी आज की। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी आम की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं मैंने दो आम। ये पके हुए आम हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने इन्हें धो के साफ कर लिया है। तो अब हम आम को काट लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक चाकू और आम को मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ, और फिर मैं आपको काटना दिखाऊंगी कि इसको कैसे निकालें अंदर से आम को काट के। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेज में इसके अंदर से कट कर लेती हूँ चाकू से, और फिर हम आम को निकालेंगे। तो ऐसे आप कट कर लीजिए अंदर से चाकू से बढ़िया से आम को, और फिर हम लेंगे एक स्पून, और स्पून से हम सारे आम के गूदे को अंदर से बढ़िया आसानी से निकाल लेंगे। आप देख सकते हो ना कितना बढ़िया से आम का गूदा निकल रहा है। तो इस तरीके से हमें आम के गूदे को निकाल लेना है। आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया से आम का गूदा निकल रहा है। ऐसे ही हम एक पीस और काट लेंगे, और सारे आम को हमें ऐसे करके काट के निकाल लेना है। बहुत ही बढ़िया से सारे आम का गूदा निकल आता है, और कोई भी परेशानी नहीं होती इसको काटने में। तो यहाँ पे एक पीस मैंने और काट लिया है। अब मैं इसे भी थोड़ा थोड़ा सा चाकू से कट कर लेती हूँ, और ऐसे करके हमें इसे आसानी से अंदर से स्पून से निकाल लेना है। आप चाहो तो इसे अंदर से चाकू से भी निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कितने बढ़िया से सारे आम का गूदा निकल जाता है स्पून से, बिल्कुल इसकी स्किन रहती है और कुछ भी अंदर नहीं रहता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बढ़िया से मैंने आम को काट के निकाल लिया है। अब मैं बाकी के आम को भी ऐसे ही कट कर लूँगी, और अच्छे तरीके से इसे भी निकाल लूँगी फटाफट से। तो ये लीजिए, सारे आम की कटिंग मैंने बढ़िया से कर ली है। आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया से मैंने आम को काट लिया है। ऐसे ही आप आम को काट लीजिए। तो आम को रख देते हैं हम साइड में, और यहाँ पर लेती हूँ मैं एक कटोरी सूजी। यहाँ पे ये मोटी वाली सूजी है, मेरे पास मोटी वाली पड़ी थी। तो अब हम इस मोटी वाली सूजी को बारीक वाली सूजी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ले लूँगी एक मिक्सी का ग्राइंडर जार, और इसमें हम मिक्सी को डाल लेंगे, क्योंकि मिक्सी में पीसने से ये थोड़ी पतली हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। अभी ये बहुत ही ज़्यादा मोटी है, तो थोड़ी सी पीस लेंगे इसको। तो यहाँ पे ढक्कन बंद करके मैं इसे थोड़ा सा पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी के ग्राइंडर जाल में मैंने इसे बढ़िया से हल्का सा पीस लिया है, और ये हल्की सी पीस के थोड़ी सी बारीक हो गई है, आप देख सकते हो। और अब इसको बर्फ़ी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ज़्यादा मोटी सूजी रहती है तो बर्फ़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आता, और अच्छी भी नहीं लगती दिखने में। तो यहाँ पर मैंने सूजी को बढ़िया से पीस लिया है, अब ये हल्की बारीक हो गई है। अब मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे सूजी को मैंने पीस के बढ़िया से कटोरी में निकाल लिया है। अब हम आम को पीस लेंगे। तो यहाँ पर सूजी को रख देते हैं साइड में, और अब हम आम के पीसने की तैयारी करते हैं। यही मिक्सी के जाल को मैंने धो के साफ कर लिया है, और इसमें हम डाल देंगे आम को जो हमने काट के रखा था, सारे पीसेज को हम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी मैं इसमें डाल दूंगी 2 स्पून, क्योंकि आम पहले से ही मीठा काफ़ी है। तो मैं इसमें 2 स्पून चीनी डाल दूंगी, जिससे कि सूजी भी डालेंगे तो बर्फ़ी मीठी बनेंगी। इसके लिए 2 स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर लेते हैं, और बढ़िया से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया से मैंने हमारे आम के पल्प को बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हो कितने बढ़िया से हमारा आम का पल्प ग्राइंड हो चुका है, और बहुत ही अच्छे से इसमें शाइनिंग आ गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। यहाँ पर मैं लेती हूँ एक बाउल, और सारे पल्प को हम इस बाउल में निकाल लेंगे। धीरे धीरे करके हमें इसमें निकाल लेना है, और अच्छे से इसे बर्तन में निकाल के रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे पल्प को मैंने इस वाले बर्तन में निकाल लिया है। आप देख सकते हो कितने बढ़िया से हमारा पल्प मिक्सी में ग्राइंड हो चुका है। और अब इसको रख देते हैं हम साइड में, और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे रख देंगे एक कढ़ाई, और बढ़िया से हम इसे गर्म होने देते हैं। कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच घी। घी को हम बढ़िया से गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि घी भी हमारा बहुत ही बढ़िया से गर्म हो गया है। तो घी के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे जो सूजी हमने ग्राइंड करके रखी थी।
यहाँ पर सूजी को मैंने घी के अंदर डाल दिया है। अब मैं बढ़िया से इसे मिक्स कर लेती हूँ घी के साथ और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। सूजी को हमें 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और सूजी अच्छे से भुन नहीं जाती। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट मेरी हो गई और सूजी बहुत ही अच्छे से भुन गई है। आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया सा इसमें एक कलर आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारा आम का पल्प जो हमने ग्राइंड करके रखा था। सारे मिक्स को हम इसमें डाल देंगे और बढ़िया से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। आम के साथ सूजी को दो तीन मिनट और पकाना है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे थोड़ा सा और पका लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ लगातार चलाते हुए। हमें सूजी को आम के साथ मिक्स कर लेना है और आम को भी अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से हमारी सूजी आम के साथ पक गई है और दोनों चीज़ आपस में मिक्स हो गई है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से 10-8 केसर के धागे जो मैंने गर्म पानी में भिगो के रख रखे थे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैं बढ़िया से मिक्स कर देती हूँ। केसर से इसमें बढ़िया सा कलर आ जाता है और खुशबू अच्छी आती है और दिखने में भी अच्छी लगती है मिठाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया से मैंने केसर को डाल दिया। सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो गई है और हमारा सारा मिक्स भी अच्छे से सेट हो गया है और ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है नीचे से। तो अब ये बर्फ़ी बनाने के स्टेज पर रेडी है। तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कढ़ाई को मैंने गैस से नीचे उतार लिया है। सारे मिक्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे बर्फ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे मिक्स को मैंने बाहर निकाल लिया है प्लेट में। अब मैं इसे बढ़िया से सेट कर लूँगी बर्फ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मिक्स को मैं बढ़िया से सेट कर रही हूँ बर्फ़ी बनाने के लिए। अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वाली मिठाई को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हो सारे मिक्स को मैंने बढ़िया से प्लेट में सेट कर लिया है। आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया से ये सेट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसे थोड़ी देर, चाहो तो आप इसे प्लेटफार्म पर रख सकते हो, आप चाहो तो इसे फ्रिज में रख सकते हो। यहाँ पर मैं इसे आधा घंटे के लिए प्लेटफार्म पर ही छोड़ देती हूँ जिससे कि हमारी बर्फ़ी बढ़िया बनेंगी और थोड़ी ये हमारा मिक्स है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ी अच्छी बनेंगी, तब हम बर्फ़ी काटेंगे इसकी। तो आधा घंटे के बाद मैं इसे देखती हूँ। यहाँ पर आधा घंटा हमारा ख़त्म हुआ। तो हमारा सेट बढ़िया से अच्छे से सेट हो गया है हमारा मिक्स और थोड़ा ठंडा भी हो गया। तो अब मैं चाकू से इसकी बर्फ़ी काट लेती हूँ। आप चाहो तो इसे कोई भी शेप दे सकते हो बर्फ़ी काटने के लिए। यहाँ पर बर्फ़ी की मेरी सारी कटिंग हो गई है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से मैंने इसकी कटिंग की है। अब एक बर्फ़ी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि कितनी बढ़िया से हमारी बर्फ़ी निकल रही है। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी प्लेट के घी नहीं लगाया है नीचे, फिर भी हमारी बर्फ़ी एकदम बहुत ही बढ़िया से निकल के आ रही है। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी आम की बर्फ़ी बनके तैयार है। तो ये देखिए एकदम बिल्कुल रसीली रसभरी मिठाई बनके तैयार हो गई है, वो भी मिनटों में। देखिए आप इनका टेक्सचर कितनी बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई है, वो भी मिनटों में। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस मिठाई को बनाने में। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा आपको इसको खाकर। आप देख सकते हो इसकी शाइनिंग कितनी बढ़िया है और दोनों तरफ से मिठाई बहुत ही बढ़िया से शाइनिंग वाली बनी है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिए, ढेर सारे कमेंट कीजिए और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।